प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने स्टार्टअप फंडिंग की एक सीरीज शुरू की है उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस को स्टार्टअप के माध्यम से डेवलप करना चाहते हैं या डेवलप किए हुए बिजनेस को और अधिक तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो इसकी पहली सीरीज से वीडियो देखना शुरू करें। आज हम बात करेंगे कि स्टार्टअप फंडिंग करते समय हम किस किस तरह से कैपिटल को रेज कर सकते हैं। स्टार्टअप में फंडिंग को रेज करने के दो मेथड होते हैं, एक सीड फंडिंग या सीड इन्वेस्टमेंट, एक क्राउड फंडिंग या क्राउड इन्वेस्टमेंट। सीड फंडिंग क्या होती है और इसकी जरूरत कब पड़ती है? कोई आइडिया जो ग्रोपिंग स्टेज में होता है या जनरेशन ऑफ आइडिया होता है तो उस समय आपको सीड फंडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास एक बिजनेस का मात्र एक आइडिया है। अब उस आइडिया को रियल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो फंडिंग की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज द मोस्ट अर्लीएस्ट स्टेज ऑफ फंडिंग। मतलब जो आइडिया भी आपके माइंड में है उसको फिजिकल बिजनेस बनाने के लिए हमें जो फंडिंग की जरूरत होती है, इसके लिए आप अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूथ किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहता है तो सीड फंडिंग के लिए वो अपने पेरेंट्स से फंड की रिक्वायरमेंट करता है, या कई बार अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल से वो फंड इकट्ठा करता है। और फंड इकट्ठा करने के बाद सबसे पहला काम होता है उस बिजनेस, उस प्रोजेक्ट से संबंधित एक प्रपोजल तैयार करना और तैयार किए हुए प्रपोजल के अनुसार अपनी वेबसाइट को डेवलप करना। वेबसाइट डेवलप करने के बाद ऑफिस सेटअप तैयार करना और ऑफिस सेटअप तैयार करने के बाद वहां पर अपना स्टाफ रिक्रूट करना। अपने बिजनेस आइडिया को रियल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है उसे सीड फंडिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीड फंडिंग के रिसोर्सेज क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सीड फंडिंग के रिसोर्सेज हमारे पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं, और कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस आइडिया पर सीड फंडिंग करके उसको रियल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्टार्टअप में फंडिंग रेज करने का दूसरा मेथड, दैट इज क्राउड कैपिटल। अब ये क्राउड कैपिटल क्या है और इसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? फ्रेंड्स, कई बार हम अपने बिजनेस को अर्लियर स्टेज पर तो शुरू कर चुके हैं लेकिन हमारे पास उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से रिलेटेड सेल जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए हम एडवांस बुकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनी कोई प्रोडक्ट सैंपल के रूप में बनाती है और उसकी एडवर्टीजमेंट मार्केट में लॉन्च करती है कि दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर बुकिंग, और बुकिंग के माध्यम से ही वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करके क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा जनरेट करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े डेवलपर भी लैंड परचेज कर लेते हैं, मतलब अपनी सीड फंडिंग से एक एसेट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। वो मात्र एक सैंपल फ्लैट बनाकर एडवांस बुकिंग करना शुरू करते हैं और धीरे 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 करते करते पब्लिक फंडिंग के अनुसार, पब्लिक फंडिंग के माध्यम से वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं और हरेक व्यक्ति को उसके द्वारा बुक किए गए फ्लैट को पजेशन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्राउड फंडिंग। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए क्राउड फंडिंग इकट्ठी करनी है तो देखिए किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को प्री लॉन्च कर एडवांस बुकिंग के माध्यम से फंड जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी आइडिया को एक प्रोजेक्ट के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स के सामने किस तरह से अपना प्रोजेक्ट पेश करते हैं ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सके। स्टार्टअप फंडिंग, स्टार्टअप ग्रोथ, स्टार्टअप एक्सपेंशन से रिलेटेड यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार कर सकूं ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बन के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। इसके लिए मैं एक मिशन चला रहा हूं, मिशन 2021, भारत बनेगा विश्व गुरु। यदि आप इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें। यदि आपके सर्कल में किसी भी व्यक्ति के पास बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और वो उसको रियल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता है तो आप
फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने बिजनेस आइडिया को रियल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके और भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने में एक प्रयास कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हैं द आर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी के चेयरमैन शिव कुमार शर्मा जी, जिनका सारा समय पर टीवी शो आता है अमीर होता भारत। शिव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव सर, हम लोगों की एक प्रथा है, जो भी गेस्ट हमारे मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल पर आते हैं उनका मोमेंटो से हम लोग स्वागत करते हैं। एक स्मृति चिन्ह आपके लिए। थैंक यू। साथियों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमित जी का कि अमित महेश्वरी जी ने यहाँ पे मुझे बुलाया, मेरे को सम्मान किया। मैं उनको एक अच्छा बिजनेसमैन मानता हूँ, क्योंकि आज उसके साथ साथ वो एक अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा जो अपने बिजनेस के जो डेप्थ के बारे में लोगों को बताते हैं वो बिल्कुल कमाल का होता है। मैं उसको देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि उससे मुझे तो बेनिफिट हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ जो लोग बाग भी इसको देख रहे हैं बिज़नेस की बाकी बारीकियों के बारे में भी जानेंगे। हम एक टीवी शो बना रहे हैं, अमीर होता भारत। अमीर होता भारत एक ऐसा टीवी शो है जिसमें हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज में कुछ अलग मुकाम हासिल किया है। ऐसे उद्योगपति, व्यवसायी और उद्यमी जिनकी ज़िंदगी ना जाने और भी कितने लोगों को सफल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। और अगर आप सफल व्यवसायी हैं, मानते हैं, तो ये शो आप ही के लिए है, अमीर होता भारत, जो हम एवरी संडे मॉर्निंग 10:30 सहारा समय न्यूज़ चैनल पर आता है। थैंक यू।